स्पीड न्यूज ताजा खबरों के लिए करें सब्सक्राइब। देश की सड़कों की हालत की बात करें तो चारों तरफ सड़क पर बने गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और इन्हीं गड्ढों की वजह से हर रोज मौतें हो रही हैं। खासकर बात करें महाराष्ट्र की तो मुंबई के करीब कल्याण डोंबोली और भिवंडी के रास्तों पर बने खड्डों की वजह से अब तक पिछले 2 महीनों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग जख्मी हैं। ऐसे ही गड्ढे से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। थाने से सटे भिवंडी के एक फ्लाईओवर राजीव गांधी फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढों की क्या स्थिति है। इन गड्ढों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले और जाने वाले लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा। भिवंडी महानगर पालिका इन गड्ढों को भरने में कहीं ना कहीं असफल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार इन गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं करवाती, ऐसा सवाल यहाँ की जनता पूछ रही है। भिवंडी महानगर पालिका के हद में अब तक गड्ढों की वजह से एक की मौत हो चुकी है, लेकिन महानगर पालिका अब तक इस मौत के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये गड्ढों की हालत शहर में जस की तस बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है? क्या महाराष्ट्र सरकार की यह कुंभकर्णी नींद नहीं टूटेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार और भी मौत का इंतजार कर रही है? सड़क पर बने इन गड्ढों की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यह सड़क गड्ढे में है या फिर सड़क ही गड्ढा बना हुआ है।